हाँ जी बच्चे, तो हमारा क्वेश्चन था डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। अब आप देखेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड मीन्स क्या था कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे किसी कम्युनिटी की डिमांड अफेक्ट होती है या किसी कम्युनिटी की डिमांड डिसाइड होती है। तो उसमें हमने बहुत सारे फैक्टर पढ़े। बेसिकली हमने इस पूरे फैक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक प्राइस ऑफ गिवन गुड्स एंड एक अदर फैक्टर्स। सब कुछ हो चुका हमारा लास्ट क्लासेस तक। वो बच्चे जिनके आपके पास में, कितने बच्चों के पास में अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया जिन्होंने? एक दो, आप भी एप्लीकेशन है आपके पास में क्लासेस के? अभी मतलब अवेयर भी नहीं आपके पास में है? क्लासेस वगैरह चल रही हैं, रनिंग है क्लासेस वगैरह? आप लोग ही रनिंग है, चल रही हैं क्लासेस? ठीक, हाँ जी। चलिए देखिएगा, तो लास्ट क्लासेस में हमने जो टॉपिक कवर कर लिया उसको लास्ट क्लास पे ही छोड़ते हैं। वो लोग आप लोग क्लासेस आपके पास अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको बेटर समझ में आएगा। आज मैं उसके आगे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? सिलेबस ज़्यादा है, अगर हम ज़्यादा पिछला वाला रिवाइज करेंगे और आगे स्लो बढ़ेंगे तो फिर एग्ज़ाम से पहले सिलेबस को कवर करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है बच्चे? जो लास्ट क्लास में पढ़ा उसको आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, उसके थ्रू आप जो है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। हाँ जी, तो टेस्ट एंड प्रिफ्रेंसेस से भी कम्युनिटी की डिमांड अफेक्ट होती है बच्चे। आप भी जानते हैं कि कोई भी कम्युनिटी है उसकी डिमांड ऑलवेज फिक्स और कांस्टेंट नहीं रहेगी, डिमांड उसकी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहेगी। तो जो भी, जिस वजह से जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट्स बोलते हैं, जिसकी वजह से डिमांड में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो उनमें से एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मीन्स अगर आप किसी कम्युनिटी को लेकर के आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में फेवरेबल चेंज आ गया तो उस कम्युनिटी की डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। और किसी भी कम्युनिटी को एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको, लाइक कोविड में ना एकदम से पता लगा था कि काढ़ा पीना चाहिए। काढ़ा मतलब समझ रहे हो ना आप, हैं? कोविड के टाइम पे तो वो काढ़ा बना करके काढ़ा पियो, तो लोगों ने क्या करा, एक टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में एक फेवरेबल चेंज आ गया काढ़ा को लेकर के कोविड के टाइम में हेल्दी रहने के लिए। तो लोग उसको, उसकी डिमांड एकदम से मार्केट में क्या हो गई? बढ़ गई। इसे कहते हैं फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। उसके अंदर एक फेवरेबल चेंज आ गया। एक अगेंस्ट में भी चेंज आ जाता है, लाइक एक बार न्यूज़ आई थी मैगी को लेकर के, उसमें एलईडी की क्वांटिटी जो है ज़्यादा है। मैगी को लेकर के खबर आई थी बहुत साल पहले, तो जब फिर मैगी के लोगों ने खाना ही तरीके का बंद कर दिया तो एकदम से डिमांड कम हो गया, तो अनफेवरेबल चेंज आ गया था। तो किसी भी कम्युनिटी को लेकर के अगर आप फेवरेबल चेंज आ जाए किसी भी कम्युनिटी को लेकर के, तो देखते हैं एकदम से उसकी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लाइक जो चीज़ें फैशन में आ जाती हैं, जो चीज़ ट्रेंड में आ जाती हैं, जो लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो आप लोग देखते हैं सभी लोग उसकी डिमांड करने लग जाते हैं, डिमांड उसकी बढ़ जाती है। क्लियर है? जिसको लेकर कोई नेगेटिविटी स्प्रेड हो जाती है तो उसकी डिमांड देखते हैं एकदम से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से भी कम्युनिटी की डिमांड अफेक्ट होती है। किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आया, उसके टेस्ट प्रेफरेंसेस में चेंज आ गया लोगों के, तो डिमांड क्या होगा? अफेक्ट होगा। तो वही कह रहा है, द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर द डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर अ कम्युनिटी। डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस मीन्स क्या होता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में फेवरेबल चेंज आ गया तो डिमांड बढ़ेगा, अगर अगेंस्ट में चेंज आ गया तो डिमांड कम होगा। दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। दे इंक्लूड द चेंजेस इन द फैशन, कस्टम्स, हैबिट्स एटसेट्रा। इफ द कम्युनिटी इज फैशन और इज प्रेफर्ड बाय द कंज्यूमर, देन द डिमांड फॉर सच अ कम्युनिटी राइजेस। तो सवाल मेरा यही है कि कम्युनिटी की डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, तो क्यों घट रही है, बढ़ रही है? तो आपका उसका आंसर क्या लिखना है? बिकॉज ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से कम्युनिटी की डिमांड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अगर फेवरेबल चेंज आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, अगेंस्ट चेंज आएगा तो डिमांड घटेगी। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट बच्चे क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। अगर अभी तो कोई प्राइस में चेंज नहीं आया, अभी तो कोई प्राइस में चेंज नहीं आया, लेकिन ऐसी संभावना है कि भविष्य में ऐसी कीमतों में चेंज आ सकता है, तो वर्तमान में इसकी डिमांड में चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगने वाला है, कल से सब कुछ लॉकडाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप न्यूज़ देख रहे हो, एक एक महीने का, दो दो महीने का लॉकडाउन। स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस था, पता नहीं था क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा। तो राशन मम्मी पापा ने, भले उसके कहते ना वो फ्री में मिल रहा था या सस्ता हो गया था, ऐसा कुछ नहीं था। मम्मी पापा ने, आपने देखा हो, राशन दो दो महीने का, तीन तीन महीने का घर में भरवा के रख लिया था। चावल, आटे, चने वगैरह, कम से कम ऐसी चीज़ें जिससे कि नमक वगैरह, क्योंकि सब्ज़ी अगर नहीं भी मिलेगी तो भी इन सब चीज़ों से हम सरवाइव
कर पाएंगे। तो एक समय तक आपने देखा क्या क्या उस समय प्राइस कम हुआ था, तब आपने डिमांड ज़्यादा करा? नहीं, फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन थी कि भैया प्राइस बढ़ जाएगा, स्केयर हो जाएगा। अब करंट में आपने क्या करा, डिमांड बढ़ा दिया। समझ में आया ना? तो इसलिए एक्सपेक्टेशन अगर आपके फ्यूचर में प्राइस राइज होने की है या प्राइस में चेंज होने की है, तो करंट में उसकी डिमांड में आप चेंजेस करते हो। तो सवाल ही मेरा ये है कि डिमांड में घटता बढ़ता क्यों है? क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन। कल से पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी, आज ही लोग गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप के लाइन लगा देंगे, अभी टंकी भर दे, है ना? क्लियर है? तो ये इफ द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर, लग रहा है भैया कीमतें बढ़ने वाली हैं, खबर आ गई भैया सोना महंगा होने वाला है, तो मम्मी का जो प्लान 5 साल बाद था, वो अभी ही से जाकर के जो भी है अपना जितना भी है उसके हिसाब से गोल्ड ले आएंगी। नहीं समझ में आई बात? देन पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी देन व्हाट दे नॉर्मली बाय, जो खरीदते उससे ज़्यादा खरीदेंगे अगर उसको ये लगेगा कि फ्यूचर में से कीमतें बढ़ने वाली है। मैं पेट्रोल डलवाने गया 100 रुपये का, पता लगा कल से रेट बढ़ने वाले हैं, तो मैंने 100 रुपये ज़्यादा का पेट्रोल डलवा लिया। डिमांड क्या हुआ? चेंज आया ना, तो डिमांड क्यों घटता बढ़ता है? इस वजह से ही घटता बढ़ता है। देयर एग्जिस्टिंग अदर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेशन इन द चेंज इन द प्राइस इन द फ्यूचर एंड चेंज इन द डिमांड इन द करंट पीरियड। फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो करंट में डिमांड बढ़ेगा, फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो करंट में डिमांड कम होगा। तो दोनों के पीछे कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। मेरी बात समझे ही नहीं समझे? हाँ, अब बात करते हैं बच्चे मार्केट डिमांड की। ठीक है, बच्चे देखिए मार्केट डिमांड की अगर आप बात करेंगे ना, तो यहां पर आप देखेंगे लाइक एक एक कंज्यूमर, मेरे मेरी बात समझेंगे भाई, एक कंज्यूमर है 50 यूनिट की डिमांड करता है, एक दूसरा कस्टमर है 40 यूनिट की डिमांड करता है, एक थर्ड कस्टमर है 60 यूनिट की डिमांड करता है। तो आप जरा मुझे बच्चे बताएं, मिस्टर ए की डिमांड क्या है? हाँ, इंडिविजुअल डिमांड है। मिस्टर बी की डिमांड क्या है? इंडिविजुअल डिमांड है। मिस्टर सी की कितनी डिमांड है? और इस मार्केट में तीनों कंज्यूमर ने मिलकर कितना डिमांड करा? तीनों ने मिलकर के कितना डिमांड करा? हाँ, 150 यूनिट तीनों कंज्यूमर ने मिलकर डिमांड करा। तो इसको हम क्या, ये तो ये क्या है, ये आप देख रहे हो ना, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? इंडिविजुअल डिमांड। और इसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड। समझ में आया आपको? क्लियर है? कोई डाउट आया तो आपको पता लगा, एक इंडिविजुअल डिमांड है और एक क्या आपके पास में एक मार्केट डिमांड है। पता लगा इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? हाँ, मार्केट डिमांड क्या होता है पता लगा? क्लियर है? तो क्वेश्चन है, हाँ, जैसे एक मार्केट डिमांड किसी को पकड़ लिया, भाई क्या खरीदा दिखाऊँ, क्या बताऊँ, इंडिविजुअल डिमांड बताएगा वो, है ना? सारे कंज्यूमर के डिमांड को ऐड कर दोगे इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को, तो क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड। ठीक है बच्चे, क्लियर है? वेरी गुड अर्नब अग्रवाल। ठीक है बेटा, मैं आपका जो है चैट पे मेरा फोकस है, लाइव क्लासेस है। लाइव क्लासेस का पर्पस ये होता है कि आप लोग अपने डाउट्स को साथ के साथ पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लासेस तो आप रिकॉर्डेड भी देख लोगे, तो इसलिए आप लाइव आते हैं। तो कोई मन में क्वायरी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट के थ्रू पूछेंगे, हम आपके को प्रायोरिटी में लेकर के आपका रिप्लाई 100% करूंगा। ठीक है? हाँ जी, डिफाइन द मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ द डिमांड बाय ऑल द बायर्स ऑफ अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। समझ में ना? उस प्राइस पर जितने भी कंज्यूमर डिमांड करा उन सभी डिमांड को सम कर दोगे, और उस पीरियड में तो वो क्या कंसिडर होगा आपका? मार्केट डिमांड। क्लियर है बच्चे? एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड? क्या डिफरेंस है?
मैं एक एक पढ़ के उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा क्या क्या मीनिंग है। इंडिविजुअल डिमांड, इट इज अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कम्युनिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। यहां से फर्क पता लग रहा है, ये पता लग रहा है आपको? इट इज द क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस एंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। एंड इट इज अ क्वांटिटी डिमांडेड, बट कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हो वही तो डिमांड है आपकी। आपने एक गिलास जूस पिया जूस को दुकान में जाकर के, तो पूरी दुकान में जितने संतरे मौसमी लग रहे हैं सारी डिमांड थोड़ी होगी आपकी। भाई जो जूस पिया वही तो डिमांड थी आपकी, हैं? कहीं एक गिलास जूस पिया और पैसे दिए और पूरे उसका जो है टोकरी ओकरी उठा कर घर चल दिए, मेरी डिमांड ये थी। आपकी डिमांड क्या थी? एक गिलास जूस ना, तो आपके ग्लास ऑफ जो जूस है वही आपके डिमांड कंसिडर होगा ना। उसकी पूरी दुकान में कितने जूस वो निकालेगा, वो उससे क्या लेने देना आपको? तो डिमांड बेसिकली कोई कमोडिटी नहीं होती है। डिमांड क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। अच्छा चलो, आप मुझसे इकोनॉमिक्स सीखने आए हो क्या? नहीं, ऐसे इकोनॉमिक्स में पढ़ाता रहूँगा दो साल में भी, तीन साल में भी खत्म नहीं होगा, पाँच साल में खत्म नहीं होगा। आपका जो सिलेबस है CBSE का या आपका जो सिलेबस है DU का, क्लियर है? जो आपका DU का सिलेबस है आप वही सिलेबस तो कवर करेंगे मेरे से। तो आपकी जो डिमांड में है कंसीडर होगा, क्या कंसीडर होगा? पूरे इकोनॉमिक्स आपकी डिमांड है मेरे से, या फिर जितना उसमें आपका सिलेबस है सिर्फ वो क्वांटिटी आपकी डिमांड है। तो डिमांड क्या होता है? कमोडिटी या क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो आप ले रहे हैं वही आपकी डिमांड में कंसीडर होगा, ठीक है? तो इसलिए कह रहे हैं इट इज अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल द कंजम्पशन एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, सारे कंजम्पशन। अब इट मे और मे नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। भैया इंडिविजुअल कंज्यूमर लॉ ऑफ डिमांड को कभी कभी फॉलो नहीं भी करता है, बात समझिए। इंडिविजुअल कंज्यूमर कई बार लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता तो है बट कई बार नहीं भी करता है। कैसे नहीं करता जरा समझिए। देखो बच्चे, जो प्राइस है ना वो राइज हो गई, बात समझिए। प्राइस जो है वो राइज हो गई, तो भैया एक कंज्यूमर ने क्या करा? डिमांड को कम कर दिया। क्यों कम करा पता लगा आपको? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जब प्राइस राइज होती है तो डिमांड कम हो जाता है। तो पहले 50 से क्या हो गया 30, इसका जो है 40 से क्या कर दिया इसने 45, इसने 60 से क्या कर दिया 55। तो दो कंज्यूमर ने लो ऑफ डिमांड को फॉलो करा और एक ने फॉलो प्राइस। बढ़ा तो डिमांड कम होना चाहिए, इसका कम हुआ, इसका भी कम हुआ बट इसका बढ़ गया, नहीं फॉलो करा। मे भी हो सकता है इसके लिए वो ऐसे कोई गुड्स है जो कि मान के चलो इसके लिए स्टेटस सिंबल ही गुड्स है, इसको लगता है कि भैया लाइक आईफोन महंगा होता जा रहा है और वो डिमांड भी उसकी बढ़ती जा रही है लोगों की नज़रों में, समझ रहे हो ना बच्चे? क्लियर है? तो लाइक लोग प्रेफर करते हैं आईफोन महंगा हो रहा है तो ये नहीं कि लोग कम खरीद रहे हैं, और खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है उससे स्टेटस बनता है एक तो। दूसरा क्वालिटी भी फैक्टर रीजन हो सकता है भाई, मैं उसके लिए नहीं कह रहा कि उसकी क्वालिटी बेकार है स्टेटस के लिए, बट स्टेटस के लिए जनरली लोग बाग फर्स्ट टाइम तो यूज़ स्टेटस के लिए करते हैं, उसके बाद उसको क्वालिटी अच्छी लगती है देन आगे वो कंटिन्यू रखता है। क्लियर है बच्चे? तो एक कंज्यूमर हो सकता है कि भैया लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, समझ आया आपको? तो इसलिए इंडिविजुअल डिमांड तो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता भी है नहीं भी करता, बट मार्केट डिमांड देखो कितना हुआ, देखें 30, 40, 70, 70, 50, 120, 130, क्या मार्केट डिमांड बढ़ा या घटा? बढ़ा 150 से, देखो 130 हो गया, क्या हुआ मार्केट डिमांड? तो भैया लॉ ऑफ डिमांड को तो मार्केट डिमांड फॉलो करता ही करता है, एक आधा कंज्यूमर अगर फॉलो नहीं भी करता तो पूरे मार्केट डिमांड पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो लॉ ऑफ डिमांड के फेवर में जाता है, समझ में आया? तो क्या मार्केट डिमांड ने लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो किया? प्राइस राइज डिमांड डिक्रीज, क्या लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो? क्या इंडिविजुअल कंज्यूमर ने लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो किया? किया भी नहीं भी किया। इसलिए कहते हैं कि इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या कहते हैं पढ़ लो, इट मे इंडिविजुअल डिमांड, इट मे और मे नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड, इट इज द पॉसिबल दैट इंडिविजुअल कंज्यूमर मे डिमांड मोर इवन हायर प्राइस। और ये इट ऑलवेज फॉलोज द लॉ ऑफ द डिमांड, मार्केट डिमांड ऑलवेज फॉल्स विद द राइज इन द प्राइस। समझ में आया बच्चे ये पॉइंट? नहीं आया समझ में?
इंडिविजुअल डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय द ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड के कुछ फैक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड के अपने कुछ और फैक्टर्स होते हैं। आप बोलोगे सर मार्केट डिमांड के फैक्टर कौन से होते हैं, आइए चलते हैं पहले मार्केट डिमांड के फैक्टर्स को पढ़ते हैं, तब आप इस लाइन को समझ पाओगे। एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, मतलब पूरी मार्केट की डिमांड को जो हिला के रख दे, ऐसे कौन कौन से कारण हैं, डिमांड बढ़ा दे घटा दे पूरी मार्केट की। तो एक क्या है बच्चे, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन का साइज ही बढ़ जाए तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, एक अकेले इंडिविजुअल डिमांड बढ़ेगी या पूरे मार्केट की डिमांड बढ़ जाएगी। अब देखते हो कुछ ऐसी जगह है जो कि रील्स में शॉर्ट्स में यूट्यूब पे वायरल होने की वजह से एकदम से वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई। कुछ अगर मैं 10 सालों को उठा के देखूँ तो वृंदावन उसमें आता है। खैर वृंदावन की डिमांड हमेशा से रही, मैं ये नहीं कह रहा कि अब लोग जाते हैं, पहले नहीं जाते थे पहले जाते, लेकिन अब जिस तरीके से लोग जा रहे हैं कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है वृंदावन में, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ा एकदम से रील्स वगैरह की वजह से। और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पूरी मार्केट में हर चीज़ की डिमांड बढ़ गई। केदारनाथ का इस बार सीजन में हम लोगों ने देखा यूट्यूब के माध्यम से शॉर्ट्स वगैरह में कि डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ गई जब से रील्स वगैरह यूट्यूब वगैरह नेट वगैरह में जो सर्कुलेट हुआ। खाटू श्याम में भी लोग शुरू से जाते आए, बट अब और भी लोग जाते हैं। तो जहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगा तो भैया मार्केट डिमांड बढ़ेगा। तो एक तो होता है पॉपुलेशन में दो चीज़ें होती हैं, साइज एंड कंपोजिशन। साइज क्या होता है, लाइक मैं बताऊं बच्चे, इंडिया के जो पॉपुलेशन है ना वो 140 करोड़ है, ये साइज ऑफ पॉपुलेशन है। अब मैं बताऊं कि इसमें जो यूथ है उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो ये कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है, लाइक कितने लोग हैं वो साइज हो गया, और जो लोग हैं उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, वृद्ध कितने हैं, वो कंपोजिशन हो गया। तो मार्केट डिमांड को अफेक्ट हमारी पॉपुलेशन भी करती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा मार्केट डिमांड ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन कम होगा तो मार्केट डिमांड कम होगी, लेकिन ये कंपोजिशन पे भी डिपेंड करता है। लाइक अगर फीमेल ज़्यादा हुई पॉपुलेशन में तो कॉस्मेटिक जैसी चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा, बच्चे हुए तो फिर उनके रिलेटेड चीज़ें, अगर ओल्ड एज के लोग हुए लाइक चमनप्रास इन सब चीज़ों का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है, बट ये चीज़ें ना इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट नहीं करेगी। कैसे, जनसंख्या बढ़ रही है, आप पहले से ज़्यादा आटा खरीद के खाओगे, जनसंख्या बढ़ गई भैया अब चार रोटी खाऊंगा, पहले दो खा रहा था अब दो शर्ट पहन लेता हूँ, जनसंख्या बढ़ गई, आपके इंडिविजुअल डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मार्केट डिमांड इसलिए बढ़ेगा बिकॉज ऑफ न्यू नंबर ऑफ कंज्यूमर, नए कंज्यूमर आ गए, बट आपके अपने इंडिविजुअल डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा बताओ पॉपुलेशन बढ़ने से, हाँ कुछ पॉपुलेशन आएगा, मेरे पास ज़्यादा बच्चे और आगे पढ़ने के लिए, पूरा बैच पूरा अच्छी तरीके से पूरा फ्रोजन हो गया, क्या बोलोगे सर और पढ़ा दो थोड़ा इकोनॉमिक्स में एक्स्ट्रा सिलेबस ही पढ़ा दो हैं। तो मार्केट डिमांड के डिटरमिनेंट्स मार्केट को अफेक्ट कर देंगे बट इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट नहीं करेंगे, समझ में आए बच्चे बात। तो क्या है, मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन राइज इन द मार्केट डिमांड, व्हाइल द डिक्रीज इन द पॉपुलेशन रिड्यूस द मार्केट डिमांड। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मीन्स समझ में आ गया, रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल चिल्ड्रन, सीजन एंड वेदर से भी मार्केट डिमांड अफेक्ट हो जाती है। लाइक विंटर का टाइम आ गया तो फिर स्वेटर वुलन क्लोथ का, तो पूरी मार्केट की डिमांड ही अफेक्ट हो जाएगी। समझ में आए बच्चे आपको, क्लियर है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दो तरीके का होता है, एक होता है इक्वल एक होता है इनइक्वल, ठीक है बच्चे। इक्वल मींस क्या होता है कि लगभग लोगों की सैलरी में गैप तो होगा ये पोस्ट के अकॉर्डिंग, बट एक रीजनेबल गैप होना चाहिए। लाइक किसी की 50,000 है तो ठीक है फिर किसी की 40 हो जाए, किसी की 35 हो जाए, ऐसे हो जाए, तो इसको बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, समझ में आया। और एक होता है इनइक्वालिटीज, मींस एक की 50,000 है तो एक की 8,000 रुपये है ना, इसे क्या बोलते हैं इनइक्वालिटीज। तो जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वल हो, इक्वल मतलब बिल्कुल बराबर नहीं, गैप हो बट एक थोड़ा गैप हो,
तो उस स्थिति में तो भैया सबकी परचेजिंग पावर अच्छी होती है, सारे डिमांड करते हैं, मार्केट डिमांड बढ़ती है। मान लो एक सीए उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए और बाकी अकाउंटेंट की तनख्वाह 15,000 रुपये, पियोन वेन की 8-7 हज़ार रुपये, तो एक सीए कितना ही डिमांड कर लेगा। मार्केट डिमांड ऐसे बोलते हैं इनइक्वालिटीज, तो मार्केट डिमांड तो कम हो जाएगा ना, लोगों का मांग का स्तर कम होगा, लोग ज़्यादा डिमांड नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा लोग आय का स्तर कम है। पर ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सीए की 1 लाख है, अकाउंटेंट की 70,000 रुपये है, पियोन की 50,000 है, सारे डिमांड करने के लिए निकल पड़ेंगे, मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी। तो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने में एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, अगर इक्वल होगा तो मार्केट डिमांड बढ़ेगा, इनइक्वालिटीज होगी तो मार्केट डिमांड कट जाएगा। तो अब आपको एक बात समझ में आई क्या, इंडिविजुअल डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय द ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। जो मार्केट डिमांड के जितने भी सारे फैक्टर हैं उन सब फैक्टर से ये अफेक्ट हो जाए इंडिविजुअल डिमांड जरूरी नहीं है, लाइक पॉपुलेशन एग्जांपल लिया, पर मार्केट डिमांड तो सारे फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर से अफेक्ट हो जाएगा। प्राइस बढ़ गया, मार्केट डिमांड हिल गया, सर्टिफिकेट का प्राइस बढ़ा, मार्केट डिमांड उसका फिर भी हिल गया, कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, मार्केट डिमांड फिर भी हिल गया, तो ये अफेक्ट हो जाता है इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर से।